अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे या जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप को झटका लग चुका है। यहाँ महाभियोग के समर्थन में 229 वोट पड़े, जबकि विरोध में 197 वोट डले। अब ये प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में रखा जाएगा, जहां 100 सीटें हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास इसमें से 53 सीटें हैं, लिहाजा प्रस्ताव गिरने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि समर्थन में कम से कम 67% वोट जरूरी है। अब सीनेट तय करेगा कि ट्रंप का भविष्य क्या होता है। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप पहले राष्ट्रपति नहीं है जिन पर महाभियोग लगा है। उनसे पहले 1868 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन के खिलाफ महाभियोग, 1998 में बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग। महाभियोग के बावजूद जॉनसन और क्लिंटन पद पर बने रहे। 1974 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा दिया। निक्सन के खिलाफ महाभियोग लाया जाना था। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com, www.newslivemp.cz.com।